नरेंद्र मोदी और पांच अज्ञात पांच अन्य के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया है तथा इसमें 40-50 लोग अज्ञात भी हैं। आज अगर जिंदा है तो नरेंद्र मोदी का दिन है। अगर नरेंद्र मोदी अपना कोविड वैक्सीन का इजहार नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं लगाता। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे जनहित आवाज। अगर आप जिंदा हैं और आप अगर सांस ले रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो आप समझिए इसके लिए आपको मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि मोदी जी हैं जिनकी वजह से आप जिंदा हैं, जिनकी वजह से आप सरवाइव कर पा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं। किस तरीके से वो जनता का माहौल उड़ा रहे हैं वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये खबर देखिए। बिहार में कल जेपी नड्डा को छात्रों ने, युवाओं ने खदेड़ दिया। जी हाँ, सबसे पहले ये वीडियो देखिए किस तरीके से उनको घेर कर जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, सुन लीजिए। तो सुना आपने, ये बिहार की वीडियो है जहां पर कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को युवाओं ने घेर लिया और उनसे सवाल किया कि हमारा रोजगार कहां है। आपको याद होगा अग्निवीर का सबसे पहले अगर विरोध हुआ था तो बिहार ही में हुआ था। इसके अलावा भी तमाम बड़े जो राजनीतिक सामाजिक आंदोलन चले हैं उसमें बिहार की राजनीति का बहुत बड़ा हाथ रहा है। चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो, ये सब ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने सांप्रदायिकता को हराया है, नफरतों को हराया है और समाजवाद को जिताया है। जी हाँ, लेकिन जब जेपी नड्डा उसी बिहार की धरती पर पहुंचे तो वहां पर उनको फिर से विरोध झेलना पड़ा। ये देश भर में तमाम सांप्रदायिक रंग फैलाते हैं लेकिन बिहार ऐसी जगह है। आपको याद होगा 1990 का वो दौर जब पूरे देश में सांप्रदायिकता फैली हुई थी। एडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे, हर जगह हजारों लोग मर चुके थे, लेकिन बिहार ऐसा राज्य था जहां पर आडवाणी की रथ यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया था। आप समझिए बिहार के लोग राजनीतिक तौर पर कितने जागरूक है, जिसका नतीजा ये हुआ कि कल जेपी नड्डा को गो बैक के नारे लगाने पड़े। वहीं दूसरी उनकी एक और ये वीडियो देखिए। बनाना होगा यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दर्जा देना होगा। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखा आपने, इस वीडियो में जेपी नड्डा कार में बैठे हुए हैं और युवाओं ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है और पोस्टर दिखा रहे हैं, बैनर दिखा रहे हैं कि आपने हमें रोजगार का वादा किया था, रोजगार कहां है। तो इस तरीके से कल जेपी नड्डा को बिहार में घेर लिया गया। हम आपको बता दें कि आज अमित शाह भी बिहार जाने वाले हैं जहां पर 2025 की अभी से तैयारी शुरू हो रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम 200 सीट की तैयारी कर रहे हैं। आप समझिए बीजेपी कितना आगे का सोचकर चलती है। वहीं दूसरी तरफ जो बहुजन नेता है वो चुनाव से 6 महीने पहले सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन बीजेपी सालों पहले जो है अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। अब वो मिशन बिहार पर निकल चुकी है जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसी को लेकर कल उन्होंने वहां पर बड़ी पदयात्रा भी निकाली थी, रोड शो किया था जिसमें हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता दिखे थे और एक अच्छी भीड़ उन्होंने दिखाई थी। तो आप समझिए, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, अखिलेश यादव है, मायावती हैं, ये लोग सड़कों पे उतरने को तैयार ही नहीं है। वहीं बीजेपी लगातार जो है अपनी जड़ें मजबूत करती नजर आ रही है। और इसके अलावा बिहार ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। जी हाँ, वो वीडियो भी देख लीजिए, ये देखिए।
नरेंद्र मोदी और पांच अज्ञात के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है तथा इसमें 40-50 लोग अज्ञात भी हैं। ये मुकदमा भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करने के लिए किया गया है। यह देशद्रोह का मुकदमा है तथा इन्होंने आम नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन किया है और उनके सभी अवसरों को, रोजगार के अवसरों को खत्म करने का काम किया है, इसलिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो देखा आपने, ये बिहार के एक युवा अधिवक्ता है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है निजीकरण के खिलाफ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार जो है निजीकरण करते जा रहे सरकारी संपत्तियों का, वहीं दूसरी तरफ रोजगार का वादा कर युवाओं को जो छला गया है उसके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है देशद्रोह का। अब देखने वाली बात है क्या इनकी याचिका जो है वो कोर्ट में टिक पाएगी, क्या उस पर सुनवाई हो भी पाएगी या नहीं, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि कोर्ट में अदालतों पर किसका कब्जा है। क्या इनकी सुनवाई हो भी पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसमें बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि अगर आप जिंदा हैं तो धन्यवाद कीजिए मोदी जी का, मोदी जी की वजह से आप लोग आज जिंदा हैं, अगर मोदी जी नहीं होते तो आप लोग समाप्त हो चुके होते। सुन लीजिए इनकी बाइट। जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, आज अगर जिंदा है तो नरेंद्र मोदी का दिन है। अगर नरेंद्र मोदी अपना कोविड वैक्सीन का इजहार नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं लगाता, जिस तरह से वो ऐसा जो एक साल पहले वाला जो कोरोना था, सबसे पहले वाला कम था, बीच वाला जो कोरोना आया था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अपने परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग, दोस्त जिसके घर में नहीं मरा। तो सुना आपने, ये राम सूरत राय है बीजेपी के बिहार के मंत्री, किस तरीके से ये जनता का अपमान कर रही है। कह रहे हैं कि मोदी जी ने वैक्सीन इजाद की और मोदी जी का धन्यवाद दीजिए, अगर मोदी जी नहीं होते तो कोरोना में आपकी जान नहीं बच पाती। लेकिन शायद इनको याद नहीं है गंगा में जो लाशें तैर रही थी वो लाशें इनको नहीं दिखी होंगी, किस तरीके से शमशान घाटों में लाइन लगी हुई थी, अस्पतालों में बिना ऑक्सीजन के लोग दम तोड़ रहे थे, वो सारी भयानक तस्वीरें शायद इन्होंने नहीं देखी होगी। उसके लिए भी जिम्मेदार प्रधानमंत्री ही हैं। जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ था कोरोना का हैंडल करने में, उसकी सारी जिम्मेदारी अगर जाती है, उन सारे मौतों का अगर श्रेय जाता है तो वो श्री प्रधानमंत्री मोदी पर ही जाता है। लेकिन इनके मंत्री मोदी जी के कसीदे पढ़ रहे हैं, मोदी जी को मसीहा बता रहे हैं और कह रहे हैं किस तरीके से मोदी जी ने आपकी जान बचाई थी। ये देखिए, उत्कर्ष सिंह ने ट्वीट किया है, अगर आप जिंदा हैं तो ये नरेंद्र मोदी की देन है, अगर आप नरेंद्र मोदी वैक्सीन का इश्तेहार नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, फ्री वैक्सीन नहीं लगाता तो आप जिंदा नहीं बचते। आप समझिए, कह रहे हैं कि इश्तेहार करना, वैक्सीन लगाना, आविष्कार तक उन्होंने कर दिया। आप समझिए बीजेपी के नेता किस तरीके से जनता का अपमान करते हैं। इनको गंगा में बहती लाशें नहीं दिखी, इनको शमशान में लगी लाइनें नहीं दिखी, अस्पताल में दम तोड़ती जनता नहीं दिखी जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग दम तोड़ रहे थे, लेकिन ये श्रेय दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इस तरीके के हालात है, बीजेपी और उनके नेता कहीं भी श्रेय लेने में जो है पीछे नहीं हटते और जनता को बेवकूफ समझते हैं। लेकिन अब जो है पानी सर से ऊपर जा चुका है और जनता, खासकर युवा जो है, मोदी जी के खिलाफ सड़कों पर उतर चुका है। जिस तरीके से जेपी नड्डा को बिहार में रोका गया, गो बैक नड्डा के नारे लगाए गए, वहीं दूसरी तरफ एक युवा अधिवक्ता ने मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया देशद्रोह का। जिस तरीके से वो निजीकरण कर रहे हैं, जिस तरीके से युवाओं से रोजगार का वादा करके उनको रोजगार नहीं दिया, तो इस तरीके से अब युवा जाग रहा है और इनके सारी हरकतों का जवाब दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ इनके मंत्री कहते हैं कि अगर आप जिंदा हैं तो धन्यवाद दीजिए मोदी जी का, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।